कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। शारजापुर नाम के गांव में रघु नाम का एक इंसान सिलेंडर की कंपनी में काम किया करता था। वो हर रोज अलग अलग जगह पर जाकर सिलेंडर डालता था। एक दिन ऐसे ही वो गांव में टहल रहा था, तभी उसकी नजर गांव के बहुत सारे होटल्स पर पड़ी। उन होटल्स को भी सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती थी, मगर सिलेंडर बहुत महंगे होने के कारण वो खरीद नहीं पाते थे। अरे, ये लोग तो सिलेंडर का यूज भी नहीं करते, अगर मैं इन्हें छोटे सिलेंडर बेचूं तो? रघु अब छोटे सिलेंडर बेचने का बिजनेस शुरू कर देता है। सिलेंडर कम दाम में मिलने के कारण लोग भी उसे खरीदते थे। अब रघु गांव में बाकी लोगों को बड़े सिलेंडर बेचा करता था, और जो छोटे सिलेंडर है वो गांव के ढाबे वालों को, ठेले वालों को बेचा करता था। रघु ने उसके धंधे के साथ एक मशीन भी खरीद ली, जो बड़े सिलेंडरों की गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरा करती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और रघु अपना धंधा बहुत अच्छी तरीके से करता है। वो बड़े सिलेंडरों की थोड़ी थोड़ी गैस निकालकर अपने छोटे सिलेंडरों में भरता गया, और अब गांव के लोग उस सिलेंडर को खरीदने लगे। ऐसे ही एक दिन, अरे भाई, इस महीने तो मेरे घर का सिलेंडर एक ही महीने गया, हमेशा तो 2 महीने जाता है। आपने ज्यादा इस्तेमाल किया होगा इसलिए ज्यादा लगा होगा। क्या पता, अगली बार करके देखता हूँ। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और रघु सरपंच के घर सिलेंडर देने जाता है। अरे आओ सिलेंडर वाले, इस बार तो मेरा सिलेंडर जल्द ही खत्म हो गया। ऐसे कैसे, हमारे घर में तो सिर्फ हम 2 लोग ही है। अरे सरपंच जी, हो जाता है ऐसा कभी कभी। इस सिलेंडर में अब नेचुरल गैस आता है, जो कि बहुत महंगा होता है, और महंगा होने के कारण तुम लोग बोलते हो कि जल्द खत्म हो जाता है। ऐसा बोल के रघु वहां से निकल जाता है। अब रघु गांव में ऐसे ही बहुत से लोगों को इसी तरह पट्टी पढ़ाता है, और लोग उसके झांसे में फंस जाते हैं। एक दिन गांव के रिटायर्ड मास्टर के घर में भी यही समस्या हुई, जल्द ही उनका सिलेंडर खत्म हो गया। अरे रघु, इस बार भी मेरा सिलेंडर जल्द ही खत्म हो गया। अरे नहीं मास्टर जी, आपने ही ज्यादा यूज किया होगा इस सिलेंडर का। अरे नहीं रघु, ऐसा तो कुछ इस महीने इससे बनाया नहीं, लेकिन इतने जल्दी खत्म हो गया। रघु कुछ भी कारण बता देता है और अपना धंधा जोर से शुरू ही रखता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब गांव वालों को ये बात खटकने लगती है। एक दिन सारे गांव वाले जमा होकर बातें करते हैं। अरे गांव वालों, आजकल मेरे घर में सिलेंडर एक महीना भी नहीं जाता। अरे सरपंच जी, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। अरे सरपंच जी, हम सबके घरों के सिलेंडरों का भी यही हाल है। अब हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा, क्योंकि एक साथ सारे गांव वालों के सिलेंडर नहीं खत्म हो सकते। हम सब मिलके गैस एजेंसी में चले जाएंगे और इस बात की शिकायत करेंगे, हमें पता तो चले कि हो क्या रहा है। अब सारे गांव वाले गांव के ही पास एक बड़ी गैस एजेंसी थी, वहां चले जाते हैं। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते सरपंच जी, कहो कैसे आना हुआ? हम सब गांव वालों की एक कंप्लेंट है, हमारी गैस की टंकी जल्द ही खत्म हो जाती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, गैस की टंकी तो सील होती है और कंपनी तो आपको पूरा बराबर माल देती है, आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ये कब से हो रहा है? अरे मैनेजर साहब, वो हमारे गांव का रघु है ना, वो हमें सिलेंडर बेचता है। आपको सिलेंडर लेते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि देख ले कि सिलेंडर का सील निकला ना हो, और सिलेंडर लेते वक्त आपके गैस की टंकी में कितना गैस है ये भी आप चेक कर सकते हैं। वो कैसे मैनेजर साहब? आपको गुनगुना पानी लेकर टंकी के बाहरी भाग पर डालना है, जिससे एक रिंग तैयार हो जाएगी जो आपको बता देगी कि टंकी में गैस की मात्रा कितनी है, और ये सब चेक करने के बाद ही आप सिलेंडर लेना, और उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और पता जरूर पूछना, जिससे अगर आपको कुछ आपत्ति हो तो आप उस पे कार्रवाई कर सके। सब लोग गांव आते हैं। ये रघु ही कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, वरना अब तक तो ऐसी गड़बड़ कभी नहीं हुई थी। देखते हैं, हम सबको सावधानता से काम लेना होगा और हमें रघु पर नजर रखनी होगी। ठीक है सरपंच जी, मैं आज से उस पे नजर रखता हूँ। रघु अपने काम को इतने सफाई से करता है कि उसे लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी ही नहीं जा सकती। वो अपनी ही धुन में रात के समय एक मशीन से बड़े सिलेंडर से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडर में भर रहा होता है। उस दिन गांव का शाम ये सब चुपचाप उसके दुकान की खिड़की से देख लेता है। अरे बाप रे, हम तो बगल में छुरी और गांव में डिंडोरा करते बैठते, ऐसा तो ये हर रोज करता होगा, अब इसका भांडाफोड़ करना ही होगा। अब शाम वहां से चला जाता है और गांव के सरपंच के पास आता है। अरे क्या हुआ शाम, इतनी रात को आए हो? अरे सरपंच जी, बात ही ऐसी है। क्या हुआ है? सरपंच जी, हमारे गांव का रघु है ना, वो सिलेंडर देने वाला, वो गैस की टंकी में से गैस निकालता है और उसके छोटे सिलेंडर में भर के बेचता है। अच्छा, तो ये बात है, रुको उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। अब अगले दिन सरपंच जी के घर का सिलेंडर फिर से खत्म हो जाता है। सरपंच जी सिलेंडर के लिए फिर से नंबर लगाते हैं, और अगले दिन रघु सिलेंडर लेकर सरपंच जी के घर आता है। अरे रघु,
ये सिलेंडर की टंकी तो बहुत खाली लग रही है। नहीं सरपंच जी, मैंने बोला था ना कि ये नेचुरल गैस है, इसलिए बहुत हल्का होता है। अरे इसका तो सील भी नहीं है, सील निकाल दिया क्या तूने? ऐसे बिना सील के सिलेंडर नहीं होता। अरे सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि यहाँ के रास्ते कितने खराब है, आते आते सिलेंडर का सील टूट जाता है। अच्छा, इसका भांडा फोड़ कर ही दूंगा। सरपंच जी अब घर में जाकर गुनगुना पानी लेकर आते हैं और उस सिलेंडर पर डाल के देखते हैं। तभी सिलेंडर के बीचों बीच एक रिंग तैयार हो जाती है और रघु की चोरी पकड़ी जाती है। रघु बहुत डर जाता है। सरपंच जी बिना वक्त गवाए गांव वालों को बुलाते हैं और गैस ऑफिस के मैनेजर को भी फोन कर देते हैं। माफ कर दो सरपंच जी, गलती हो गई। चोरी करने वाले को माफी बिल्कुल नहीं। तभी पुलिस और उनके साथ मैनेजर भी आता है। पुलिस रघु को पकड़कर ले जाती है। धन्यवाद मैनेजर साहब, आप हमारे लिए इतने दूर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, मगर आज के बाद आप सब गांव वाले सतर्क रहिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, उसका नतीजा हमेशा गलत ही निकलता है। स्वर्णपुर नाम के राज्य में बापू नाम का एक मछुआरा रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। उसकी दो बेटियां थी, एक का नाम था संगीता और दूसरी का नाम था सारा। संगीता का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वो अपने पिता के सारे काम किया करती थी, मगर उसके विपरीत थी उसकी बहन सारा। उसका स्वभाव बहुत ही अलग था। वो किसी से ढंग से बात भी नहीं करती थी और खुद को बहुत ही सुंदर समझती थी। घर की पूरी जिम्मेदारी संगीता पर ही थी। सारा, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए पिताजी, जल्दी बोलिए, मुझे जरा काम है। बेटी, इस घर में सिर्फ संगीता ही काम करती है, तुम क्यों नहीं उसके काम में मदद करती? क्या ये फिजूल की बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे थमा के रखा था? मैं आपको एक बात बता दूँ, ये आलतू फालतू के काम मैं नहीं करूँगी। आपको करना है तो करो, मुझे मत बताना। क्या बोल रही हो, पता है तुम्हें सारा? हाँ पता है, अब मैं बाहर जा रही हूँ। ऐसा कह के सारा बाहर चली जाती है। बापू को उसके बर्ताव का बहुत बुरा लगता है। वो अपने काम पर निकल जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। एक दिन उसके पिताजी बहुत बीमार हो जाते हैं और बिस्तर पकड़ लेते हैं। अब उनकी देखभाल संगीता ही करती है। बदकिस्मती से उसके पिताजी कुछ दिनों बाद गुजर जाते हैं। अब उनके घर में कमाई का कोई जरिया नहीं रहता। संगीता और सारा के खाने के भी लाले पड़ते हैं। लेकिन अब संगीता अपना दुख छोड़कर बाजार में अपने पिताजी का कारोबार चलाने लगती है। संगीता खुद ही मछली तालाब से पकड़कर लाती और बाजार में बेचा करती थी। लेकिन इस काम के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता ना होने के कारण उसे बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत किया करती थी। उन दोनों का घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन संगीता ने सारा से कहा, अरे सारा, मुझे ये मछली पकड़ने के काम में तुम्हारी मदद लगेगी, मुझे अकेले से नहीं हो पाएगा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है मुझे काम मत बताया करो, मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी, तुम्हें करना है तो करो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं क्या करूंगी, मुझे अकेले से नहीं हो पाएगा ये सब, मैं क्या करूं? ऐसा कहके संगीता बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। ये सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा जन्म काम करने के लिए हुआ है, मगर मुझे तो कोई राजकुमार लेके जाएगा और तब यही लोग मेरे हाथ पांव जोड़ेंगे। ऐसा कहके सारा अपनी खूबसूरती निहारती रहती है और खुद को बहुत महान समझने लगती है। ऐसे ही एक दिन संगीता मछलियां पकड़ने के लिए तालाब पर जाती है। बारिश होने के कारण संगीता तालाब पर जाते जाते भीग जाती है और अब ठंडी के कारण मछलियां पकड़ने में सक्षम नहीं होती। जैसे तैसे वो थोड़ी बहुत मछलियां पकड़कर उन्हें गांव में जाकर बेचती है। मछलियां बेचकर वो घर चली जाती है। उसे तेज बुखार चढ़ जाता है और वो लेट जाती है। तबीयत ठीक ना होने के कारण वो खाना नहीं बना पाती। तभी सारा उसके पास आती है और बोलती है, ए संगीता, आज क्या हुआ है तुम्हें, खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? सारा, मुझे ठीक नहीं लग रहा इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया, आज के दिन तुम ही खाना बना दो। तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो, मैं और खाना, मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी, घर में कुछ फल है वो खा लूंगी, तुम तुम्हारा देख लो। अरे ऐसा मत करो सारा, कुछ तो बना दो। ऐसा कह के सारा कुछ फल खा लेती है और संगीता अकेले ही भूखी सो जाती है। अगले दिन संगीता की हालत भूख के मारे बहुत खराब हो जाती है, मगर सारा उसकी तरफ ध्यान ना देकर बाहर चली जाती है। अब संगीता लड़खड़ाते हुए उठती है और मटके में से पानी पीती है और उसी हालत में मछली पकड़ने तालाब पर जाती है। वहां जाकर अपने पिताजी की याद में वो रोने लगती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, संगीता, संगीता, मैं हूँ। कौन, कौन है? संगीता मैं हूँ, तालाब,
तुमने मुझे देखा नहीं मगर मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ। क्या हुआ है, आज इतना रो रही हो? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं एक जादुई तालाब हूँ। क्या करूँ तालाब, ये गरीबी और मेरे बहन के स्वभाव के कारण मैं उब गई हूँ। संगीता अपनी सारी कहानी तालाब को सुनाती है। अब तालाब भी उसकी कहानी सुनकर सुन्न हो जाता है। उसकी हर रोज की मेहनत भी वो देख रहा था, इसलिए उस तालाब को उसकी दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के बारे में सोचता है। अब तो ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ शेष ही नहीं है, जीने की इच्छा ही नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। संगीता, इस पानी को हाथ में लेकर तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, तुम्हें सब मिल जाएगा। हे जादुई तालाब, मुझे और मेरी बहन के लिए साल भर का अनाज चाहिए, क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? संगीता, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई है, तुम्हारे घर पे साल भर का अनाज पहुंच गया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए संगीता? मुझे और कुछ नहीं चाहिए जादुई तालाब, तुम हर रोज सिर्फ मुझसे ऐसे ही बातें किया करना, जिससे मुझे दोस्त मिल जाएगा अपना सुख दुख बांटने के लिए। ठीक है संगीता। अब संगीता घर चली जाती है और देखती है तो उनके घर में ढेर सारा अनाज होता है। अनाज देखकर संगीता बहुत खुश हो जाती है और उस अनाज से कुछ खाना बना के खा लेती है। तभी सारा घर आती है। संगीता, ये सारा अनाज कहाँ से लाया है तुमने? जमा किए हुए पैसों से लेके आई हो क्या? संगीता अब चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी बात को अनसुना कर देती है। अब सारा को बहुत गुस्सा आ जाता है। नहीं बताना है तो मत बताओ, मुझे क्या। सारा बड़े गुस्से से वहां से चली जाती है। सारा का ये बर्ताव देखकर संगीता बड़ी चिंतित होती है। अगले दिन संगीता तालाब के पास चली जाती है। बोलो संगीता, क्या हुआ है, आज भी बड़ी चिंता में लग रही हो। हाँ जादुई तालाब, मुझे मेरी बहन की बहुत चिंता हो रही है, मैं उसके स्वभाव का क्या करूँ, वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं करती और खुद ही में मशगूल रहती है। हाँ पता है तुम्हारी बहन का स्वभाव, तुम ऐसा करो, तुम उससे झगड़ा करके अलग घर में रहने के लिए जाओ, जिससे उसे तुम्हारी कीमत पता चले। मगर मेरे पास दूसरा घर नहीं है जिसमें मैं जाके रह सकूं। तुम जब घर पहुंचोगी तब तुम्हें तुम्हारा नया घर तुम्हारे पुराने वाले घर के पास ही मिल जाएगा, उसमें सारी सुख सुविधाएं भी होंगी जिससे तुम आराम से जीवन व्यतीत कर सकोगी। धन्यवाद तालाब। अब संगीता घर जाने के लिए निकलती है। घर पहुंचकर देखती है तो उसके घर के पास एक बहुत बड़ा आलीशान घर होता है। उस घर को देख संगीता बहुत खुश हो जाती है। वो अपने पुराने घर में जाती है और सारा को ये सब बताती है। सारा, चलो उठो, हम दोनों के लिए कुछ खाना बनाओ। क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारी अकल ठिकाने पे है ना, मैं और खाना। हाँ तुम, और कौन है इस घर में जिससे मैं बात करूंगी? चलो आज का खाना तुम ही बनाओगी। मैं खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं खाना बनाओगी तो इस घर से निकल जाना। मैं क्यों निकलूं? ये मेरे पिताजी का घर है, निकलना है तो तू निकल। संगीता अब उसका बर्ताव देखकर बहुत दुखी होती है और वहां से निकल जाती है। वो अपने नए घर में रहने के लिए जाती है। अब सारा अकेले ही उस घर में रहने लगती है, मगर उसे खाना बनाना ना आने के कारण उसके खाने के लाले पड़ते हैं। अब वो उदास रहने लगती है। संगीता सारा पर नजर रखे हुए थी। एक दिन संगीता खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे सारा एक बेड पर सोई दिखाई देती है। संगीता को लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जल्दबाजी में तालाब के पास चली जाती है। हे जादुई तालाब, क्या मैं मेरी बहन से मिल सकती हूँ? उसकी तबीयत खराब है, ऐसा मुझे लग रहा है। संगीता कल तक रुक जाओ, बाद में देखो तुम्हारी बहन का स्वभाव कैसे बदल जाता है। ठीक है तालाब, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो जो कठिन परिस्थितियों में भी मेरे साथ हो। दोस्त बोला है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब संगीता वहां से चली जाती है और अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करती है। अगले दिन सारा जल्द ही उठकर घर का काम करते हुए दिखाई देती है। ये देखकर संगीता सोच में पड़ती है, ऐसा कैसे हुआ। संगीता अपने बगीचे में टहलने जाती है, अचानक उसे देख सारा भागती हुई आती है और, संगीता मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे माफ कर दो ना। सारा, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है, तुम मुझे मिल गई हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संगीता, तुम अब कहाँ रह रही हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, अब तुम चलो अपने घर, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। चलो सारा, तुम्हें एक नया घर दिखाती हूँ जिसे देख तुम बहुत खुश हो जाओगी। अब संगीता उसे अपने नए घर में लेकर जाती है। सारा वो घर देखती ही रह जाती है। ये इतना आलीशान घर तुम्हारे पास कैसे आया? ये घर मुझे भगवान की कृपा से मिला है, अब तुम भी इस घर में रह सकती हो क्योंकि तुम मेरी बहन हो। अब सारा और संगीता उस नए घर में खुशी खुशी रहने लगती है। संगीता तालाब के पास जाती है और उसे आवाज देती है, दोस्त
दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। क्या हुआ है संगीता, आज बड़ी खुश हो? हाँ दोस्त, मुझे मेरी बहन मिल गई है। उसका स्वभाव तो पूरा परिवर्तित हो गया है। अब वो मेरे साथ मेरे घर में रहती है। तालाब, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। धन्यवाद। हाँ संगीता, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अब तुम दोनों को अगले 8 दिनों में इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। क्यों तालाब, हमसे कोई गलती हुई है क्या जो हम दोनों को इस गांव से जाना पड़ेगा? जल्द ही तुम दोनों के लिए आजमगढ़ राज्य के 2 युवराज आएंगे जो तुम्हारा हाथ मांगेंगे और तुमसे शादी करेंगे। तुम यहाँ से विदा हो जाओगी। अब तुम इस गांव में सिर्फ 8 दिन की मेहमान हो। जादुई तालाब, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मुझे जब भी सच्चे मन से याद करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सच में तालाब? सच में। अब संगीता खुशी खुशी घर लौट जाती है और सच में 8 दिनों के बाद 2 राजकुमार घोड़े पर सवार होकर संगीता और सारा के घर के पास आते हैं। अब उस बड़े राजकुमार को संगीता बहुत पसंद आती है और दूसरे राजकुमार को सारा पसंद आती है। जी आपके घर में कोई बड़े है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है। हम दोनों बहने ही है इस पूरे घर में। आपको जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हो। हम दोनों यहाँ हमारी रानियों की खोज में आए थे। हम दोनों आजमगढ़ के राजकुमार हैं और हम हमारी रानियाँ खुद पसंद करते हैं। मुझे आप पसंद आई हो, क्या आप मेरी रानी बनोगी? और क्या आप मेरी रानी बनोगी? मुझे आप पसंद आई हो। हाँ। अब वो 2 राजकुमार दोनों बहनों को अपने साथ अपने राज्य में लेकर जाते हैं और वहाँ उनकी धूमधाम से शादी की जाती है। अब संगीता और सारा खुशी खुशी राजमहल में रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में होश से काम लेना चाहिए, जो भी संकट आए उसका डटकर सामना करना चाहिए। शाहपुर नाम के राज्य में सहदेव नाम का आदमी अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। वो कपड़े धोने का काम किया करता था। दिन भर की जो भी कमाई होती थी वो अपनी पत्नी को दे देता था। दोनों सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अजी सुनते हो, मुझे एक हार चाहिए, वो भी सोने का। अरे भाग्यवान, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आ जाएंगे तब खरीदेंगे। तुम्हारा हमेशा का ही है, कुछ भी मांगो मुँह पे ना ही है, कुछ पीछे भी रखा करो, वरना हमेशा की तरह गरीबी में ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, अब बस भी करो। अगले दिन सहदेव कपड़े उठाकर धोने के लिए चला जाता है। यहाँ उसकी पत्नी सिर्फ हार के बारे में ही सोचती रहती है। क्या करूँ जिससे मुझे सोने का हार मिले। एक दिन वो जंगल में कुछ फल लेने के लिए जाती है, तब वो नदी के किनारे एक सुनहरे मेंढक को जाली में बंधा हुआ देखती है। वो उस मेंढक के पास जाती है। समिता, मैं इधर हूँ। कौन है? तुम बोल सकते हो? हाँ सविता, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई मेंढक हूँ। इन मछुआरों ने मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा है। समिता, कृपा करके मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा। क्या मैं जो भी मांगू वो इच्छा पूरी हो जाएगी? हाँ हाँ, तुम मुझे छुड़वा तो दो, फिर देखो कमाल। सविता मेंढक को जाली से रिहा कर देती है। देखते ही देखते वो सुनहरा मेंढक अब बड़ा हो जाता है और बोलने लगता है। मांगो सविता, क्या मांगना है, मगर एक शर्त है। तुम्हें जो भी मिलेगा उसका दुगना तुम्हारे पति को मिलेगा। अगर शर्त मंजूर है तो मांगो। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। मुझसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कोई ना हो। अरे तुम्हारा पति तुमसे दुगना सुंदर हो जाएगा, उसके पीछे सारी औरतें लग जाएंगी। हाँ होने दो, क्योंकि मैं अकेली ही इतनी सुंदर रहूंगी तो मेरा पति मेरा ही रहेगा, वो किसी और को क्यों देखेगा। उसकी तेज अकल देख मेंढक खुश हो जाता है। ठीक है, तथास्तु। ऐसा कहते ही सविता बहुत सुंदर और रूपवान औरत बन जाती है, तो उसका पति दुगना सुंदर बन जाता है। मेंढक बोलता है, अब तुम खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी दूसरी शर्त बताओ, मैं वो भी पूरी कर दूंगा। अब मेरी दूसरी शर्त है कि मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊँ। फिर से बोल रहा हूँ, तुमसे ज्यादा अमीर तुम्हारा पति बन जाएगा। जो भी मेरा है वो उनका है, और जो उनका है वो मेरा है, तो आप उसकी चिंता मत करो। तथास्तु। सविता बहुत अमीर बन गई थी और उसका पति उससे दुगना अमीर बन गया था। अब खुश हो तुम? हाँ सुनहरे मेंढक, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी तीसरी शर्त मांग लो, सोच समझ कर मांगना। अब ये तीसरी और आखिरी शर्त है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में मुझे एक ऐसा हीरा मिले जो कि सिर्फ मेरा हो, वो मेरे पति को ना मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें मिले और तुम्हारे पति को ना मिले। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो।
तो ठीक है, आपको मैं जब भी पुकारूं आप मेरे सामने आ जाना। ठीक है, तथास्तु। सविता अब घर चली जाती है और अपने घर को बहुत बड़े घर में परिवर्तित देख खुश हो जाती है। अब उसका पति भी इतना सुंदर हो गया था कि वो उसे देखती ही रह गई। अरे ये सब कैसे हुआ, हम ऐसे इतने जल्दी अमीर कैसे हो गए और मैं इतना सुंदर कैसे बन गया? सविता ने जंगल में हुआ पूरा किस्सा अपने पति को बताया, लेकिन उसकी तीसरी शर्त के बारे में कुछ नहीं बताया। अब वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे, उन्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। वो गरीब लोगों की मदद करने लगे, लेकिन उनके जीवन में एक समस्या थी, उन्हें अब तक कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों उदास रहते थे। ऐसे ही एक दिन, जादुई मेंढक अब कहाँ हो, मुझे आपसे बात करनी है। तभी वो जादुई मेंढक वहाँ प्रकट हो जाता है। बोलो सविता, क्या बात है, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, हे जादुई मेंढक, मेरे पास तुम्हारा दिया सब कुछ है, मगर हम दोनों को कोई संतान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक संतान दिला दे। लेकिन सविता, तुमने तुम्हारे तीनों वरदान खत्म कर दिए हैं, अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं नहीं जादुई मेंढक, ऐसा मत कहो, चाहो तो मेरे तीनों वरदान वापस ले लो, बस हम दोनों को एक संतान दे दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। सविता, हमें अपने जीवन में आवश्यक चीजों की ही मांग करनी चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ, लेकिन अपनी इस गलती को दोबारा मत दोहराना। तुम्हें इस साल भर में ही पुत्र की प्राप्ति होगी, वो बहुत तेजस्वी और होनहार होगा, तथास्तु। सविता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, मेंढक का दिया आशीर्वाद सच हो जाता है। साल भर में ही सविता को पुत्र प्राप्ति होती है और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में सही चीजों का चुनाव करना चाहिए, लालच में आकर हासिल की हुई चीजों का ज्यादा मूल्य नहीं होता। काशी नाम के एक गांव में राजू नाम का एक आदमी होटल में काम किया करता था। वो हर प्रकार के व्यंजन अच्छे से बना लेता था, खास करके वो बिरयानी और बिरयानी के सारे प्रकार बहुत अच्छे से बनाता था। राजू के हाथों में जैसे जादू ही था, सभी लोगों को राजू के हाथ की बनाई बिरयानी बहुत पसंद थी। उस होटल का मालिक चंदन बहुत ही लालची और शातिर था, वो अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरों को फंसाता और पैसे ऐंठता था। उसका होटल अब बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था, इसकी वजह से चंदन राजू पर बहुत खुश था। ग्राहकों की ज्यादा बिरयानी की मांग देखकर चंदन राजू को ज्यादा बिरयानी बनवाने को बोलता और राजू से बहुत ज्यादा काम करवाता था। एक दिन राजू को बहुत तेज बुखार आया और उसके पास खुद का इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। सुनो, तुम होटल जाकर सेठ जी से कुछ पैसे मांग कर लाओ, बाद में वो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। ठीक है। नमस्ते सेठ जी, मेरी पति की तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, वो आने के बाद लौटा देंगे। भाभी जी, आपको तो पता ही है कि आजकल धंधा कैसे चल रहा है, ये राजू जब तक काम पर नहीं आएगा तब तक तो मेरा नुकसान ही है ना। ठीक है, अब आप आ ही गई हो तो ये 100 रुपए लेकर किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवाइए, जाइए। पत्नी वो 100 रुपए लेकर चली जाती है और सोनार के दुकान पर जाकर अपने जेवर बेच के अपने पति का अच्छे से इलाज करवाती है। जब राजू ठीक हो जाता है तो वो अपनी पत्नी के जेवर ना देख के उसे प्रश्न करता है। पत्नी जो सब हुआ वो उसे बता देती है और रोने लगती है। उस दिन राजू होटल जाता है। आज से तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे भरोसे 15 दिन अपना होटल बंद नहीं रख सकता, मैंने तुम्हारे बदले में कोई और ले लिया है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। राजू वहां से उदास मन से चला जाता है और घर में आकर मायूस होकर बैठता है। क्या हुआ आपको, आए हो तब से मायूस हो, कुछ बोलोगे? अरे जरा चुप भी रहो, यहाँ मेरी नौकरी चली गई है और तुम मायूस होने की बात कर रही हो। क्या आपको उन सेठ जी ने निकाल दिया, आप इतनी मेहनत करते थे उसके बावजूद उन्होंने निकाल दिया? हाँ, अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, क्या करूँ, और यहाँ पर जल्दी नौकरी भी नहीं मिलेगी। मेरे मन में एक अच्छी कल्पना आई है, अगर हम बिरयानी बनाकर बेचेंगे तो हमारी बिरयानी सबको पसंद आएगी और आपको नौकरी करने की भी चिंता नहीं होगी, वैसे भी आपके हाथों का स्वाद तो लोगों को पता ही है। सब बातें सही है भाग्यवान, लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? पत्नी ने अपने बचाए हुए पैसे निकाले और राजू से बोली, ये लीजिए, अब तो कोई चिंता नहीं है ना, इससे हमारा काम हो जाएगा। पत्नी की ये कल्पना राजू को पसंद आती है, वो एक ठेला किराए पर लेता है और पहले दिन एक बर्तन भर के बिरयानी बनाता है। बाजार में एक जगह ठेला लगाकर वो बिरयानी बेचने बैठता है। उसके बिरयानी की सुगंध इतनी अच्छी आती है कि सब लोग उसकी बिरयानी खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं।
उसकी पूरी बिरयानी जल्द ही खत्म हो जाती है और राजू घर खुशी खुशी लौट जाता है। अगले दिन से राजू थोड़ी ज्यादा बिरयानी बनाता है और अपनी बिरयानी बेच के धीरे धीरे उसे अच्छे दाम भी मिलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो अपना खुद का ठेला खरीद लेता है। देखते ही देखते राजू का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। ये बात चंदन को जब पता चलती है तब चंदन उसके ठेले पर आता है। अरे राजू कैसे हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपने होटल में फिर से नौकरी पर रख लूँ, क्या विचार है तुम्हारा? धन्यवाद सेठ जी, लेकिन मुझे अब आपके यहाँ काम नहीं करना, मेरा यह छोटा सा ठेला ही मेरे लिए अच्छा है, कम से कम इज्जत तो मिलती है। चंदन को जो समझना था वो समझ गया और वहां से चला गया। जब राजू उसके होटल में काम किया करता था तब उसका होटल बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन अब राजू ना होने के कारण उसका होटल पहले जैसे नहीं चल रहा था। अपनी लालच की वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ था। इस तरफ अब राजू एक बड़े होटल का मालिक बन गया था। अब उसके पास सब कुछ था और वो गरीब लोगों की मदद भी करने लगा था। राजू अपने गांव में बिरयानी वाला राजू इस नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए,